तू तो बड़ी बेवकूफ निकली, वो सजदेश के आया और तुझे पटाकर चला गया। उफो। अरे बेटी तेरी है या उसकी? ले। पटाने की बात नहीं, बात पते की कहने की होती है। ओ हो हो हो, बड़ी खुशकिस्मत है ये कुमार साहब, माँ और बेटी दोनों को पटा लिया है? इनकी सच बता, क्या तू आयुष के साथ रिया को अकेले कानपुर भेज रही है? अरे लोग बातें बनाएंगे। पिंकी मौसी, मामा को बातें सुनने की अब आदत पड़ गई है, और वैसे भी मेरी मामा वही करती है जो उन्हें सही लगता है, राइट मॉम? पता है पिंकी, पता है अचानक मुझे क्या लगा? मुझे लगा कि कम से कम एक बेटी तो है मेरी जो उस शहर में रहेगी जहां मैं पैदा हुई थी। पता नहीं, मैं समझा नहीं पा रही, लेकिन शायद जब जैसे बेटा बिजनेस संभाल ले तो बाप को भी यही फीलिंग होती होगी, यू नो, एक कड़ी का एहसास कि मेरी बेटी जवान होकर उन्हीं सड़कों पे चलेगी, उन्हीं बागों में घूमेगी, क्या उसे वहां की हवा भी वैसी लगेगी जैसे मुझे लगा करती थी। इसलिए मैं राजी हो गई, और मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा भी है। पता नहीं बेबी, बचपन से लेकर आज तक कभी मैं तुझे ठीक से समझ नहीं पाई हूं। मेरा सपना था कि मैं तुम्हें मां बना हुआ देखूं। I'm so scared. हाँ? Why? I'm just very nervous. तुम प्रॉमिस करो तुम मेरे साथ रहोगे ऑल द टाइम, एवरी मिनट, इवन इन द डिलीवरी, इन द ऑपरेशन थिएटर, ओके? बेबी, आई विल बी ऑलवेज देयर, जस्ट नेक्स्ट टू यू. Don't be scared, okay? Okay. Hey Cinderella, what are you dreaming about? क्या सोच रही हो तुम? काश अभी हम बीच पर होते। It's raining outside. और भीग जाते हैं उसका क्या? शादी से पहले तुम ऐसी नहीं थी। उम्र के साथ इंसान को जिम्मेदार होना पड़ता है। बुड्ढी हो गई हो तुम। अरे जाओ, तुम सुबह कुछ कहना चाहते थे, कहा नहीं। गुड़िया, where do you stay? मामा मुझे वेफर चाहिए। हाँ, गुड़िया, where do you stay? मामा मुझे वेफर चाहिए। अब कोई तुझसे पूछेगा ना कि what is your name? Say my name is Aishwarya Nikita. क्या बोलेगी? My name is Aishwarya and Nikita. Very good, not and Nikita. Okay, बहुत अच्छे। अच्छा, अब तेरे को स्कूल में पढ़ना है ना, तो जो तुझसे सवाल पूछेंगे उनका जवाब देना, ठीक है? नहीं मम्मी, मुझे वेफर चाहिए। गुड़िया, ये पूरा पैकेट रखो, लेकिन याद रखना, ओके? मामा ने क्या बोला? मामा ने बोला जो सवाल तुमसे पूछेंगे उसका ठीक ठीक जवाब देंगे, ठीक है? स्पेलिंग पूछेंगे तो सोच के जवाब देना। हमने स्पेलिंग प्रैक्टिस किए थे ना? बहुत दफा कहा तुमको, रोज समझाता हूँ कि बेटा टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, पर कार्टून चैनल देखने से आप लोग बाजी नहीं आते हो। कार्टून देखना 24 घंटे एक ही काम रह गया, स्पेलिंग एक नहीं आता, कैट का नहीं, बैट का नहीं, रैट का नहीं, एप्पल का नहीं है। सानी जी आप? अरे निकी मैम साहब, आप यहाँ कैसे? जी हाँ, मैं बच्चे की एडमिशन के लिए आया था, हो नहीं रहा था तो मैंने मिसेस हेट से कह के फोन करवा दिया, लगता है अब शायद काम बन जाएगा मेरा। मॉम ने? जी हाँ, वो यहाँ की प्रिंसिपल जो है वो मिसेस कपूर की बेटी है ना वो। अच्छा अच्छा, पर आप यहाँ कैसे आई? गुड़िया की एडमिशन कराने आई थी। अच्छा अच्छा, गुड़िया का एडमिशन तो हो जाएगा, इनके एडमिशन को कौन रोक सकता है, मिसेस हेट की नवासी हैं ये तो। मुझे लगता है हमने गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। गाड़ी? अब जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तब रिक्शा में थोड़ी ना घूमूंगी। आई वॉन्ट दिस 9 months टू बी द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ करण। ऋचा, सब कुछ इतना पहले से ही क्यों प्लान करना चाहती हो?
जब जैसा होगा वैसा हल निकल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सब कुछ प्लान होना चाहिए, अगर प्लान नहीं होता ना तो आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। ठीक है, गुड न्यूज आने तक का इंतजार तो करें। सुनो, मेरे ख्याल से हमें प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। आई थिंक हम एक बिजनेस शुरू कर देते हैं। देखो, अब तुम फ्रीलांसर हो वो ठीक है, लेकिन आफ्टर द बेबी सिक्योरिटी चाहिए होगी तो। और मैं काम नहीं करूंगी, प्लीज, आई डोंट वांट टू वर्क, आई वांट टू एंजॉय माय मदरहुड, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क। तुम काम मत करना। हाँ तो फिर तुम्हें करना पड़ेगा ना, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और तुम समझ रहे हो ना। समझा। क्या हुआ? You're upset about something? Tell na. क्या हुआ? डरो मत। I'm not having any extramarital affair. Tell me what happened. मैं fashion photography छोड़ रहा हूँ। I don't like it. छोड़ रहा हूँ मैं। फिर क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इतनी आसानी से कह रहे हो? Life will be so tentative. No, it's going to be adventurous. It's all right for both of us. मैं अपने लिए नहीं कह रही, but the baby. रिचा, कल का किसको पता है? हो सकता है कि जब तक बच्चा हो, I would have established myself. और दूसरा रिचा, मैं अपने बच्चे को इतना ऐशो आराम से बड़ा भी नहीं करना चाहता। You know, रिचा, मैं इतना dissatisfied हूँ with the kind of work I'm doing. I'm not happy at all. क्या जरूरी है? Tell me. ये ऐशो आराम, कार, पॉश फ्लैट, चिल्ड्रंस रूम, गाना बजाना, या मेरी सेटिस्फैक्शन? जब तक बच्चा हो, एटलीस्ट आई शुड बी मेंटली पीसफुल, हैप्पी। तुम इधर से नहीं उठना चाहे जब तक मामा वापस नहीं आती। हाँ, हमको उस ऑफिस में आंटी से बात करने जाना, ठीक है? इधर ही बैठे रहना, मेरा वेट करना। बाय मम्मी। बाय स्वीटू। कहाँ जा रही आप? हमें ऋतु कपूर से मिलना है। बहुत बिजी आज, वो मिल नहीं सकती। उनसे कहिए निकिता सेठ आए हैं मिलने, हम उन्हें जानते हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं, बाद में मिलना। मुझे किसी से नहीं मिलना है मोहन। ओके मैडम। मैडम जाइए ना प्लीज। देखिए, हम उन्हें जानते हैं। ऐसा सब कहते हैं मैडम। अरे मोहन, आने दो उन्हें अंदर। ओके मैडम। सॉरी निकिता, दे आर सच टफर्स, इन्हें बिल्कुल नहीं मालूम किसको अंदर आने देना चाहिए किसको नहीं। खैर, अभी मिसेस सेठ से बात हुई। कमाल है, शी इज सो फेयर। उन्होंने एक बार भी तुम्हारी बेटी का जिक्र नहीं किया। अपने किसी एम्प्लॉय मिस्टर साहनी की बेटी की गारंटी ले रही थी, लेकिन कमाल ने अपनी नवासी का जिक्र तक नहीं किया। आप मुझे बताएं प्लीज, क्या मेरी बेटी को एडमिशन फॉर्म मिल सकता है? आप ही फेयर निकिता, डोंट टॉक लाइक दैट। एडमिशन फॉर्म ही क्यों? अगर बच्ची काबिल है तो एडमिशन भी मिलेगा। मैं जानती हूँ तुम कितनी फेयर हो मिसेस कपूर। अगर मिसेस सेठ ने तुम्हें डोनेशन दे दिया तो वो फौरन गुड़िया की एडमिशन भी हो जाएगी। मैंने मिसेस सेठ को कह दिया कि बहुत दिन हुए मिसेस सेठ, आपने हमारे स्कूल को कोई डोनेशन नहीं दिया। वैसे मुझे कहना चाहिए था, नहीं तो मैं निकिता की बेबी को एडमिशन नहीं दूंगी। अरे रे रे रे, ये सब मत ले जाना, सिर्फ सलवार कमीज और साड़ियाँ। साड़ी? हाँ हाँ, कुमुद आंटी से जरूर मिल लेना। हाँ, और प्रशांत अंकल से भी, उन्होंने रिचा के हादसे के वक्त कितनी मदद की थी। कुछ भेजना चाहिए, कितने दिनों बाद तू कानपुर जा रही है। मामा, मैं सबसे मिल लूंगी, लेकिन अगर मुझे शॉपिंग करने का वक्त नहीं मिला ना तो मैं अंकल को ये स्प्रे दे दूंगी। वैसे भी इन सब चीजों का वहाँ बड़ा क्रेज होता है। अच्छा सुन, ये रही लिस्ट उन सब लोगों की जिनके यहाँ जाना है तुझे। और सुन, और कुछ नहीं तो मिठाई जरूर लेके जाना हमके लिए। आधा आधा किलो काफी रहेगी, एक किलो बहुत भारी पड़ेगी। ले ये सब। आ, आ। मामा, आयुष के घर के लिए कुछ भी नहीं लेके जाऊं? ये क्यों नहीं ले जाएगी? तुझे पैसे दिए हैं ना, काजू कतली खरीद के देना उन्हें। और सुन, उसकी भाभी के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेती जाना, बहुत मानता है आयुष उससे।
पिंकी मौसी आयुष किसे नहीं मानता। सुन, उसके बड़े भाई के सामने अपना मुंह मत खोलना। हाँ चल चल राधा, हम अपना काम खत्म करते हैं किचन का, इसे करने दे अपनी पैक। ठीक है ठीक। चल 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 चल। पिंकी मौसी, क्या आयुष के घर वाले बहुत सख्त हैं? अरे बहुत नियम से चलता है सब कुछ उनके घर में। औरतें करती हैं सब, सुबह 6 बजे उठती हैं और रात के 12 बजे सोती हैं। हाँ बहुत काम करती हैं। सारा शहर अमरीकी होगा लेकिन उनका घर ऐसे है जैसे 100 साल पहले। छोटी बहू, पूरियां बनी कि नहीं? मेहमान क्या भूखे चले जाएंगे? कमाल है, 4 बजे उठते थे हम लोग, 5 बजे का नियम बना कर दिया तुम्हारे लिए, सारे नियम बदल दिए हम लोगों ने। कुछ नहीं होगा आयुष, आई जस्ट कांट डू इट। क्या करूं मैं? तुम्हारी शादी में तो विघ्न है, व्याधाएं हैं। अगर है चाया तो जाऊंगी और अगर टेल जाया तो नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? हेज, तुम्हारे बॉस ने तो संन्यास लेने का भी सोच लिया। तुम इसमें कॉलीफ्लावर भी डालती हो? जो जी में आए डालती हूँ। ही इज लीविंग फैशन फोटोग्राफी। तुम्हें इससे बहुत परेशानी हो रही है रिचा। इट्स जस्ट सो सडन। अब उसके बाद मैं समझ सकती हूँ कि he has to enjoy what he is doing, but yeah, one has to love one's profession. Yeah, but I wish you'd understand my point of view. Mujhe bachcha chahiye, I'm going to have a family, I need security. Yeah, I can understand. Tumne jab se Karan ka kaam chhoda hai, usne sab kuch hi chhod diya. Zyada coincidence nahi lagta? Matlab tumhare sath fashion photography kar raha tha, tumhare jaate hi use trivial lagne lag gaya. मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कॉम्प्लीमेंट है या तंज। अरे आई वाज जोकिंग भाई। वैसे तुमने अचानक बैंगलोर जाके सेटल होने का क्यों सोच लिया? क्योंकि मैं बैंगलोर की हूँ। अरे पर मुंबई तुम कुछ एम्बिशंस लेकर आई थी। यू डोंट हैव टू टेल मी इफ यू डोंट वांट टू, इट्स ओके। नो इट्स नॉट दैट। यही घर है बॉम्बे में जिसे मैं अपना समझती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी वजह से यहाँ इतनी अशांति हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हुई। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, इट्स ओवर। आई नो, लेकिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा रिचा। मुझे लगा कि करण एंड मी वर्क सो वेल टुगेदर, वी आर कंपैटिबल, वो मुझे पसंद करता है। हो सकता है ये पसंद किसी और चीज में बदल जाए, हो सकता है ना भी बदले, लेकिन आई डिडंट वांट कि फिर से तुम्हारे दिमाग में वही शक पैदा हो। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द टू ऑफ यू और मैं हमेशा तुम दोनों की दोस्त बनी रहना चाहती हूँ। आना मत बंद कर देना। Are you crazy? Never. No, please don't apologize. I had a couple of appointments out here. Okay. I finished everything and I came back. I didn't have to wait for too long. Take a seat, please. Oh yes. Sorry. तो आप पेरिस में थीं? Yes, Paris. वहाँ सब कुछ अलग सा है। एक बहुत different सा scene है वहाँ। एक professionalism सी है और मुझे वहाँ बहुत respect मिली। I had some very good assignments. Yeah, Shikha. Yeah, देखिए, unfortunately यहाँ Indian ad world में आपको कोई नहीं जानता है. By the way, क्या आप number 3 हैं? Number 3 क्या? Oh, I mean your birth date. Yes, why? अक्सर number 3 वालों के साथ ऐसा ही होता है. वो successful तो हो जाते हैं, लेकिन famous नहीं हो पाते. Oh, तो आप भी number 3 हैं. Moksh, Raghu का ticket 25 के लिए book, is it okay? Yeah, yeah, sure. Thank you. Good sense of humor. देखो रितु, मैं तुम्हें बताता हूँ,
जो मेरी बात ऋचा से हुई थी हमारे एड कैंपेन के बारे में, तब हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, हमारा फिल्म मेकर भी अलग था। तब हमें ज़रूरत थी एक यंग लड़की की, और अब हमें चाहिए एक मिडिल एज औरत। हाँ, नया फिल्म मेकर है, उसके अपने फंडे हैं, यंग लड़कियों को इस्तेमाल नहीं करूँगा ऐसा बोलता है। तब वो बूढ़ियों को बेचेगा? वेल, नो सेक्स अपील, मॉडल शुड एमिट सम काइंड ऑफ ऑनेस्टी। तुम्हारा सनसाइन क्या है? लियो। हम जरूर काम करेंगे। I'm 100% sure we'll work together. I'm sure हम दोनों फ्यूचर में जरूर काम करेंगे। तुम देखो, रिचा को मेरी तरफ से अपोलोजाइज करना, तुम इतनी दूर आई और कुछ काम भी नहीं बना, बट चलो कम से कम मिल तो लिए, बट फ्यूचर में हम काम जरूर करेंगे, इसका मुझे पक्का। I'm sure we yeah. should. I'll take your leave then. Yeah. Well, Ritu, मैं सोच रहा था if you could help me in one thing. I'm looking for a mother. एक माँ चाहिए, a mother, you know, not a very hip-looking mother, a very simple, straightforward, but complete in motherhood. एक माँ जिसके चेहरे पे ममता सी झलकती हो, you know, ऐसी सी माँ जिसके चेहरे पर, जिसके बदन में से, जिसके बदन से दही बड़े की खुशबू आती हो, उसकी साड़ियों में त्योहार की गंध हो, you know, उस तरह की माँ। एक माँ जिसकी आँखों में बच्चों को बड़ा करने का स्ट्रगल हो, सिंपल कल्चर्ड बट वेरी वेरी मिडिल क्लास, एक ऐसी सी माँ चाहिए। मॉम, मेरी मॉम ऐसी ही लगती है। आई एम श्योर तुम्हारी माँ ऐसी लगती है, बल्कि हम सबको लगता है कि हमारी माँ ऐसी है। और जब ऐसी माँ उस तेल के डब्बे को लेकर कहेगी कि ये तेल दुनिया का सबसे बढ़िया तेल है, तो देखना तेल वालों का बिजनेस बूम कर जाएगा। बच्चे इसलिए खरीदेंगे क्योंकि उनकी माँ ने ऐसा कहा है, उनकी माँ इसलिए खरीदेंगी क्योंकि पड़ोसन ने कहा है। प्रॉब्लम यह है कि ऐसा मॉडल लाऊं कहां से? मॉम, माँ को देखते ही ऐसे ही लगता है, उनकी बातों पर यकीन आता है। या द मॉम, यू नो दैट्स व्हाट आई मीन, द मॉम। सो देन व्हाई नॉट माय मॉम? यस मामा। हे भाई, यू आर डूइंग इट। नो, यस, तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे मामा और मॉडलिंग करेंगी, तू क्यों मामा का मजाक उड़ा रही है? अरे बेबी, हम लोग बचपन में नाटक नहीं करते थे, मतलब तू करती थी। एक बार तेरी तारीफ नहीं छपी थी अखबार में? मामा, आपके पास वो पेपर कटिंग है, वो भी मैं एजेंसी में दूंगी। मामा मामा, जस्ट इमेजिन अगर आपको एजेंसी वालों ने सिलेक्ट कर लिया तो क्या होगा? मामा, जस्ट इमेजिन, मामा, वी विल बी रिच, यू विल बी रिच, आपके पास पैसा ही पैसा होगा, आप अपनी खुद की गाड़ी खरीद सकती है, खुद का फ्लैट खरीद सकती है। मामा, अरे ये तो लॉटरी खुलने वाली बात कह रही है बेबी, मान जाना मॉम, मान जा, अब घूमने जा सकती है रोम। हो गई है बूढ़ी, इनके चेहरे पर भी है झूठ, और फिर इन्हें लेगा कौन? देखे हैं तेरे मॉडल हजार, बदन दिखाकर टपकवाते हैं लाड। मुझे ऐसा नहीं बनना, चाहे तुम लोग दे दो मुझे अशरफियों का बहुत बड़ा सा झाड़। हाँ हाँ, जैसे बाहर लगी है एजेंसियों की कतार। लगा दूं झापड़, माँ का उड़ाती है मजाक। एक ही तरीका इन्हें चुप कराने का, तय कर लो एक बार एजेंसी जाने का। अरे चाहे कर देना मना, सिलेक्शन होगा या नहीं चाहिए तो आजमाना। पर मुझे नहीं है जाना। हो सकता है रिया की बात हो। ठीक, देख रही तू, तुझे मॉडलिंग करनी है तो तू मॉडलिंग कर, तेरी इच्छा, पर मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दे। अरे मैं कॉलेज यूनियन की प्रेसिडेंट थी, मेरी क्लासमेट्स देखेंगे तो क्या सोचेंगे? बेबी, तू भी कहां की सोच रही है, चल ना, मजा आएगा। देख, जिंदगी में हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो भले बुरे का पता चलता है, समझी? देखो तो सही ममा, ये एडवर्टाइजिंग की दुनिया होती क्या है, और अभी तो आपकी स्क्रीन टेस्ट बाकी है, और हो सकता है कि आपको सिलेक्ट ही ना करे। मैं जाऊं। कब जाना है? बातें है। हाँ, टेलीग्राम सेंड कर दो। मदर डेड, कम सून।